जी कल शाम को महसूस न मिली कि रायपुर के पास कोई ट्राली पलट गई, तो हम मौके पर गए। जो सात संगत पंजाब से आ रही थी वो गोगा मेढ़ी जा रही थी, इतफाक से उनकी ट्राली पलट गई। ट्राली पलटने में से 17-18 आदमियों की चोटें लगी, जिनमें से 4 आदमियों की डेथ हो गई। उनकी कार्रवाई आज कर रहे हैं, शनाख्त हो रही है। घायलों का इलाज चल रहा है? हाँ, घायलों का इलाज चल रहा है। क्या वैसे एकदम नील गाय आ गई, उसने ब्रेक लगाया तो ट्राली पलटा मार गई, सवारी थी उसके अंदर। अब कार्रवाई कर रहे हैं, पूरी कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करा देंगे। सर ना कल पिंडो चले सी मत्था टेकन बागड़ जी, तो तकरीबन कोई 7 दे आस पास टाइम सी, कोई उत्थे रोड भी थोड़ा भीड़ा से अगर गड्डी गुड्डी आ गई जी, उन्हें माड़ा मोटा कट मारता तो ट्रैक्टर ब्रेकां मारियां, पिछों ट्राली पलट गई जी। ट्राली पलटन कारण ही होया जी, बाकी किसी नाल कोई वो नहीं होया भी किसी दूजी गड्डी नाल जां होया कुछ नाल जी। दूजी गड्डी ने गड्डी ने कोई माड़ा मोटा कट मारिया, लाइटां पै गई जी, वो टेढ़ा हो गया जी। वो तो सर 4 की डैथ हो गई जी, तो 15-16 जख्मी ने सट्टा ने, बाकी ठीक नॉर्मल ने जी। हादसा अचानक हादसा हुआ जी, किसी का कोई वो नहीं जी। सर पात्रा तो चले सी गुग्गा माड़ी से मत्था टेकने जा रहे थे, हाँ आस पास गाँव के आपस में रिश्तेदारी सी सर, कोई दूसरे अगे से अगे नज़दीक रिश्तेदारी सी, ऐसे ऐसे हुए जी। सर एक्सपायर हुए ने, एक तो 8 साल का बच्चा जी, तो एक 14 साल का, एक 16 साल का, एक बुजुर्ग ने 60 साल के, जिन्ह की मौत हुई है जी। बाकी कोई किसी अचानक परमात्मा वालों वापर घटना। हम दे दिना गांव से आ रहे थे जी, पातड़ा दे बाबा बजान लग रहे थे जी, राम में हादसा हो गए अचानक। हाँ जी, हाँ जी पता नहीं लगा, ट्राली पलट गई अचानक पलटी है जी। हम ऊपर सोए हुए थे, जाडा से ठंड में थे, हमने नहीं पता लगा जी कद के हुए।